नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए जल्द से एक नजर डालते हैं आज की देश विदेश की सुर्खियों। चीन के शांक्सी प्रांत में पुल ढहने से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 38, दर्जनों लोग लापता। फेसबुक के संस्थापक को डोनाल्ड ट्रंप से मांगनी पड़ी माफी, जाने क्यों, जुकरबर्ग ने कहा अब नहीं करेंगे डेमोक्रेट का समर्थन। बिना लाग लपेट अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप पर हुए हमले में स्वीकार की अपनी गलती, ये कहकर जीता दिल। इसराइल का बाल बांका नहीं कर पाएगा ईरान, अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया में तैनात कर रहा युद्धपोत और लड़ाकू विमान। कमला हैरिस के डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने के बाद आया डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन, कह दी ऐसी बात कि मच गया बवाल। सोमालिया का समुद्र तट हुआ खूनी, लहरों से खेल रहे लोगों पर अचानक बरसने लगी गोलियां, 32 की मौत। जंगल में फंसे 6 आदिवासियों के लिए फरिश्ता बने वन अधिकारी, कई दिनों से भूखे थे बच्चे। राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भेंट की कॉल ऑफ बिगिन पिता। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मोहित खान की संपत्ति पर बुलडोजर चलने पर बोले अयोध्या के सांसद। महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को कहा खटमल किसके लिए, कह दिया अब्दाली। खटमल को अंगूठे के नीचे कुचला जाता है, उद्धव ठाकरे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। वाराणसी, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए फर्जी दारोगा, बनकर पहुंचा शख्स, शौक के लिए पहनता था वर्दी, पुलिस ने दबोचा। सपा ने कितने रेप आरोपियों के डीएनए टेस्ट करवाए थे, अखिलेश की मांग पर भड़क गई मायावती। वसुंधरा राजे बोली राजनीति का दूसरा नाम है उतार चढ़ाव, सबको इससे गुजरना पड़ता है। मुझे ब्लैकमेलर कहने पर सिद्धरामैया को कानूनी नोटिस जारी करूंगा, कार्यकर्ता अब्राहम। कर्नाटक के वायनाड जिला कलेक्टर वायनाड भूस्खलन बचाव अभियान में आगे रहकर नेतृत्व कर रहे हैं। सीए ने कर्नाटक के शिमोगा में शरवती पंप भंडारण परियोजना के लिए डीपीआर को मंजूरी दे दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कड़वाओं के भूमि अधिकारों पर भूमि राजस्व अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखा। कर्नाटक एनआई ने प्रवीण नेटारू मामले में 2 पर आरोप पत्र दायर किया। जॉन अब्राहम की वेदा की रिलीज से पहले आखिर क्यों भड़की तमन्ना भाटिया, क्रिप्टिक पोस्ट से मचाई खलबली। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।